इतिहास से क्या समझते हो? इतिहास जैसे हिंदी में शब्द सुनने को मिलता है ना, तो इति मतलब क्या होता है? विधि, और हास मतलब क्या होता है? कहानी, यानी विधि हुई कहानी है ना। तो उसी का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? हमारा इतिहास कहलाता है, यानी हिस्ट्री। इसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और जो पिछले क्लास में पढ़े थे कि आधुनिक काल में भारत का इतिहास, तो ये कैसे देखा जाता है? प्रीवियस क्लास में पढ़ा है तुम लोग, और बोला तो एंड्स कि कैसा दिखता है। जैसे कि मान लो 17वीं शताब्दी का कोई व्यक्ति है, सडनली अगर इस समय में आ जाता है अचानक, और वो देखेगा तो उसको कैसा महसूस होगा? वो देखेगा कि वो जिस समय रहता था, जिस भी जगह में रहता था, वो सारी चीज उसको बदली हुई दिखाई देगी, है ना। जो भी भू आकृति मतलब जमीन की आकृतियां, जिस तरह से अभी क्या हुआ है, सड़कें बन गई हैं या नाले बन गए, उस टाइम क्या ये सब नहीं हुआ करता था। और क्या नई नई इमारतें, बैटरी जो मोटर गाड़ियां देखने को, वो तो कल्पना भी नहीं किया होगा कि हवाई जहाज मतलब आसमान में उड़ भी सकता है। इसमें तो केवल पंछियों को देखता होगा उड़ते हुए, और अभी जब देखेगा वो इतना बदला हुआ, उसको एक शॉक लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज क्या होता है, उनकी कल्पना से परे होगा। और क्या होगा, उसकी भाषा जो लैंग्वेज उस समय यूज करता होगा, वो भी उसको एकदम अभी का लैंग्वेज से एकदम अलग लगेगा, समझने में भी दिक्कत होगा, है ना। तो ये सारी चीज तो पहले के टाइम में हुआ होगा, ये देखा जाता है कि जैसे जैसे चेंज हुआ है, ये क्या बताता है? परिवर्तन को बताता है ना, कि एक टाइम और पीरियड में क्या परिवर्तन हुआ। वो 17वीं शताब्दी था, अभी 20वीं शताब्दी, तो उस समय से लेकर के अब तक सारी चीजों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। और क्या है तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास में तारीखों का महत्व, ये बताया था तुम लोगों को, बता दो क्यों है तारीख का महत्व इतिहास में, क्या याद रखना पड़ता। कुछ घटनाएं जैसे देखते हैं, तुम लोगों को एग्जांपल दिए थे कंप्यूटर का, है ना, कि टाइम ऑफ पीरियड में क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्या क्या परिवर्तन आया उसमें। तो फर्स्ट जनरेशन हमारा कब से कब तक था और सेकंड जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ, ये जो उसके बीच का अंतराल है, समय अंतराल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बताता है कि इसमें क्या नए परिवर्तन हुए। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का पता है, एग्जांपल दिए थे, यूज होता है। सेकंड जनरेशन में क्या होता है, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, उसका सिलिकॉन चिप, ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन आया। और क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ था लिप्टन ग्रीन टी का, है ना, कि कोई व्यक्ति है सपोज करो दुकान पे खड़ा होकर चाय पी रहा है, और सडनली उसके माइंड में आता है कि ये जो चाय है कब से बनना स्टार्ट हुआ, मतलब कब इसका शुरुआत हुआ, कैसे लोग इसके विषय में जाना, है ना, और ये हमारे बीच कब आ गया। तो इन सारी चीजों को जानने में क्या होता है, एक एक्साइटमेंट होता है, अंदर से उत्सुकता होती है। तो इन उत्सुकताओं को ही क्या करते हैं, लिखित रूप में जब रखते हैं हम, उसको पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारी क्यूरियोसिटी जो हमारी उत्सुकता है वो समाप्त होती है, और हमारे नॉलेज गेन होता है, और भी वो बढ़ता है, हम पूरी तरह से उसके बेस पे जा पाते हैं कि ये चीज कहां से इसका उद्भव हुआ है, है ना। इस वजह से भी तारीखों का महत्व है। नेक्स्ट क्या, और क्या बताया था, आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग, है ना, जो आधुनिक भारत है उसका भौगोलिक भूभाग कैसा है। तो जैसे बताया कि वो व्यक्ति जो 17वीं शताब्दी से अचानक अगर किसी में आता है, तो उसको क्या होता है, सारी चीज को उसकी बदली बदली दिखाई देगी। ऐसे भी टाइम बीतता है तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होता है। इससे क्या बोल रहा है, भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है, है ना। भौगोलिक विस्तार मतलब जो भारत का ज्योग्राफी है वो हर जगह क्या है, बहुत मतलब बहुत सारी इसमें डाइवर्सिटी विभिन्नता भी पाया जाता है, है ना। तो देखो बोला उत्तर में क्या है, तो उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है भारत, और पश्चिम में क्या है, अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर है, पूर्व में इसका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में क्या हो जाएगा वो हिंद महासागर। इन सब से इसका भौगोलिक बताता है कि किस तरह से ये बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर है, इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या क्या है, यह सारा चीज बताता है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल है ना, एरिया बताता है, भारत का टोटल कितना है, लगभग 32.8 लाख
स्क्वायर किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। और उत्तर में क्या है, कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग कितना है, तो 3200 किलोमीटर। और यह जानना भी जरूरी है, सपोज करो अगर कोई दूसरा देश चढ़ाई कर देता है तो तुम कैसे बताओ कि ये क्षेत्र मेरा है, जब तक कि मालूम नहीं रहेगा कि हमारा एरिया कहाँ तक है ना। तो इस वजह से भी ये जरूरी होता है। और नेक्स्ट क्या बता रहा है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये इसका भौगोलिक विस्तार बता रहा है कि कितना से कितना दूर तक इंडिया जो है फैला हुआ है मैप में, है ना, वर्ल्ड मैप में। अपने विशिष्टता है ना, क्या है बताओ, तो कल बताए थे ट्रेडर्स जो व्यापार करने के लिए आए थे अंग्रेज, यहाँ से बताए थे ना तुम लोगों को, चलो बता दो कुछ कुछ। ईमान, सबसे पहले वो क्या है, व्यापार करने के लिए भारत में आया, ठीक है। और धीरे धीरे क्या कर लिया, यहाँ के सारे चीजों में अपना कंट्रोल कर लिया। कैसे होता है कि किसी एक घर में रेंट पे रहने गए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, धीरे धीरे उस घर को अपना समझने लगते हैं कि ये मेरा है। तो वही बात है कि अंग्रेज आके हमें व्यापार करने के लिए, और अपनी शक्ति को वो बढ़ा लिए, अपना पावर बढ़ाए, ठीक है। जब उनका पावर बढ़ गया तो वो सब चीज को अपने अंडर कर लिए और अपने हिसाब से उसको चलाते थे। यहाँ तक क्या करते थे, किसानों को जो किसान जो खेती करते थे उसको भी मजबूर किया जाता था उनके लिए, कि आप खेती कीजिएगा तो आपका लगभग इतना परसेंट हिस्सा एक बांध दिया जाता था, टैक्स कर बांध दिया जाता था, इतना परसेंट आपको हिस्सा देना होगा अगर आप खेती कीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं करना होगा, है ना। तो इस तरह से इसके कारण भी क्या होता है कि जो लोग हैं उनका रहन सहन या फिर उसकी परंपराएं या फिर आर्थिक राजनीति ये सारी चीज क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, है ना, प्रभावित होते हैं। आधुनिक इतिहास का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक इतिहास का क्या क्या स्रोत है बताओ तो शगुन तुम। अभी अगर किसी चीज के विषय में तुमको जानना होगा तो तुम क्या करोगी, किसी चीज का हिस्ट्री जानना होगा तो क्या करोगे सबसे पहले। अब तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। अभी अगर देखने जाओगी किसी भी चीज के विषय में तो क्या करते हैं हम लोगों को, बहुत सारी पुराने पुराने किले है ना, खंडहर, ये सारे चीज दिखाई देते हैं। या फिर कहीं अगर कोई नव निर्माण स्टार्ट हो रहा है, खुदाई होता है, तो वहां पे बहुत सारा चीज खुदाई में मिलता है, जैसे मूर्तियां या फिर बर्तन और या ज्वेलरी, ये सारे चीज मिलते हैं। तो ये सारे चीज भी सोर्स है हमारा हिस्ट्री को जानने का। और जो किला खंडहर वगैरह है ये सारा भी है। और क्या होता था, लिखित रूप में, पहले क्या करता था लोग ताम्रपत्र पे भी मतलब और लिख करके रखता था, तो वो भी सारा बहुत सारा चीज मिलता है, जिससे क्या होता है कि हिस्ट्री के विषय में पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या सोचा कि जो हम लोग है सर्वेक्षण कराना उन्होंने सबसे ज्यादा जरूरी समझा कि अगर सर्वेक्षण कराते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी जानकारियां कभी भी कोई भी पढ़ सकता है, उसको मिल सकता है जानकारी, है ना। तो वो सर्वेक्षण कराता था, सर्वेक्षण में क्या करवाता था कि वो ये भी पता लगवाता था कि कितने पेड़ पौधे हैं किस एरिया में, कितना दूर तक विस्तार है, और कितने लोग जो है किस वर्ग के आते हैं, मतलब उसकी जाति, उसका धर्म, ये सारा चीज का सर्वेक्षण कराते थे। और सर्वेक्षण कराने पर, सभी चीज को आकलन करने पर क्या होता था, उसके बाद वो उसमें रूल करते थे, कि शासन करते थे, ठीक है। जिससे क्या होता है, जब सर्वेक्षण कराते हैं तो सभी लोगों की मेंटेलिटी भी थोड़ा बहुत पता चलता है उससे, या उसका क्या करता है इकोनॉमिक स्थिति पता चलता है कि किस टाइप का, इसको किस तरह से इससे काम लिया जा सकता है। तो इस तरह सर्वेक्षण करके लोगों को अपने अंडर रखते थे और उसे अपना काम निकलवाते थे, और जो टैक्स लेते थे उन्हीं से वो अपना खर्च भी पूरा करते थे। अंग्रेज वो अपना पैसा नहीं लगाते थे, और जो भी सामान उसको क्या करना होता था, इम्पोर्ट करना होता था, खरीदना होता था, उसके सस्ते उसका जो है सस्ते दामों में, है ना, चीप रेट पे खरीद देते थे लोगों से या किसानों से। और फिर जब उसको एक्सपोर्ट करना होता था दूसरे जगह तो उस पर वो क्या करता था, और भी दाम बढ़ा देता था। मैम, हाँ बोलो बोलो मैम, जीरो का खोज किसने किया है मैम, क्या
जीरो का खोज यानी शून्य का खोज, शून्य का खोज पूछ रहा है, पढ़ रहा है हिस्ट्री। शून्य का खोज किसने किया है तुम्हें बता जरा, किसने किया है शून्य का खोज? हम नहीं जानते हैं, घुस गया बता दीजिए मैम, नहीं जान रहे हैं। टेस्ट ले रहा है। कौन पूछा है तुमसे बता दो हमको? सर पूछा है मैम। कौन से सर पूछे है? स्कूल में पढ़ाते राजेश सर। ओ तो जब जब मैथ पढ़ा रहे थे तब नहीं पूछे? भूल गए थे मैम। सर से पूछना, बोला मैम हिस्ट्री पढ़ाती है उनको नॉलेज नहीं है। ऐसा पता है कितना बोले स्कूल में बच्चों को जानते हैं आप? ये तो कहते हैं कि आप बैकग्राउंड जानता है कि कौन से स्कूल में पढ़ाते थे पहले। अच्छा ये जो सर्वेक्षण का प्रचलन हुआ उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या बनवाया अभिलेखागार, है ना, जैसे लिखित रूप में सभी चीजों को रखा जाता था संग्रह करके। जैसे एग्जांपल दिए थे तुम लोगों का कोर्ट का, दिए थे ना कि कोर्ट में जितना भी केसेस वगैरह होता है सबको रखा जाता है रिकॉर्ड रूम में, है ना, तो कभी भी कोई भी उसका डुप्लीकेट कॉपी ले सकता है या कोई भी जरूरत पड़ा तो गवर्नमेंट भी उसको इजिली देख लेती है। ये तुम्हारा यही तक था, लेकिन आज का चैप्टर फिनिश हो गया है, थोड़ा सा ही बचा था, कल का फिर हम रिवीजन करवाते हैं। क्या चीज? हिस्ट्री बुक लोगी।